ये है पंजाब की बिस्किट का न्यू स्टॉक। मैं इसको ये देखो काट कर लिए, इसको खोलती भी हूँ साथ में। एक हाथ से ना काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। काट तो लिया है, अब आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो बहुत अच्छा स्टॉक है, कोई टूटा फूटा नहीं है। लाइट में दिखा देती हूँ, देखो कोई टूटा फूटा नहीं है। ये है पंजाब के बिस्किट का न्यू स्टॉक। पानी में डाल के दिखा देती हूँ मैं, ज़्यादा पता चलता है ना पानी में। देखो एकदम लाल, ये देखो देख लो। ठीक है मैं इसको तोड़ के भी बताती हूँ आपको। एक हाथ से थोड़ा मुश्किल हो जाता है तोड़ना। एक हाथ से थोड़ा मुश्किल होता है तोड़ना ना। एकदम लाल है, बहुत यमी है। या मैं वीडियो बना रही हूँ स्टॉक का, नहीं तो मैं खाकर भी बता देती आप लोगों को। चलो इतना सा खा लेती हूँ है ना, फिर हाथ धो लूँगी इसी में। नहीं यार नहीं खाती, क्योंकि किसी किसी को प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। मैं बाद में इसका क्रंच वीडियो डाल दूँगी। तो यही था पंजाब की बिस्किट का, देख लो आप लोग। बाय। अब मैंने पूरा बोरी को खोल दिया, आप देख सकते हो आप कितनी अच्छी लग रही है ना ये पंजाब की बिस्किट, बिल्कुल टूटा फूटा नहीं है और इधर ज़्यादा लाइट भी नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ये, बहुत अच्छा लग रहा है यार। ये न्यू स्टॉक है, ये देखो टूट गया, ये देखो क्रंच साउंड, ये देख लो क्रंच साउंड तोड़ने में ही आ रहा होगा आप लोगों को। ये देख लो मैं थोड़ा थोड़ा तोड़ रही हूँ, मोटा पीस है ना, तोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत तो होती ही है। ये देखो बहुत अच्छे से टूट रहा है और हाथों में लग गया है, देखो कितने सुंदर से। लाइट में दिखेगा, वैसे दिखना नहीं है। और इसकी भी आवाज़ आ रही है। तो आप लोग करो स्टॉक की वीडियो एंजॉय, तब तक मैं करती हूँ कुछ और, मतलब कि शॉर्ट्स वगैरह बनाती हूँ। ये मैंने लिया है पानी और इसमें मैं भिगोने वाली हूँ एक तो ये रेड स्टोन, काफ़ी बड़ा था तो इसमें आ नहीं रहा था, मैंने सोचा इसमें भिगो देती हूँ पूरा आ जाएगा। ये देखो इस पर पूरा आ गया है। और एक मैं इसमें डालूंगी वाइट, ये वाइट है, वाइट डालूंगी। तो क्योंकि मुझे क्रंच करना था वाइट का, इसका लेयर निकालूंगी उसके बाद। देखो इसका लेयर बहुत निकलेगा, ये देख सकते हो आप। तो इसको इसमें डाल देती हूँ क्योंकि मैं ये दूसरे में भिगो कर रखा था ना, उसमें छोटा था तो पूरा भीग नहीं रहा था, इसमें आप देख सकते हो पूरा आ गया है। ये पतीला मैं यूज़ नहीं करती किचन में, तो इसलिए मैंने सोचा इसमें भिगो के रखती हूँ। तो इसी वजह से पहले इसमें घी बनता था, क्योंकि हमारा घी का काम था, जब से हस्बैंड को प्रॉब्लम हुई तब से घी का काम बंद हो गया। तो ये बड़े बड़े बर्तन अभी भी हैं, तो इसी में मैंने सोचा भिगो देती हूँ। ये देखो इधर, ये देखो तिरसारा रखा हुआ है, ब्लैक है वाइट है, ये भी वाइट है, रेड तो नीचे रखा हुआ है। ये ब्लैक, ये वाइट, ये ब्लैक, ये वाइट, ये ब्लैक,
इधर ये रेड बिग स्टोन, जिसे भी चाहिए मिल जाएगा। आज मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ। मैं पानी में भिगोती हूँ, कल को इसका क्रंच वीडियो आएगा। रात भर भीगेगा ना, इसको ढक के रख दूँगी, रात भर भीग जाएगा तो फिर मैं कल क्रंच वीडियो बनाऊँगी। ये ना परत इसमें ना होता है, ये जैसे है ना, ये जैसे ब्लैक है ना, इसमें परत होता ही है। चाहे कोई भी चीज़ ले लो आप, परत होता ही है। परत हमें साफ़ करनी पड़ती है। रेड में कम होता है, ब्लैक और वाइट में बहुत होता है। रेड में जैसे है ही नहीं, ये देखो रेड में नहीं है। रेड का मतलब इसको पानी में डाला था ना, इसका दो बन गया है, देखो दो हो गया। वाइट और वाइट में होता है, रेड में थोड़ा कम होता है, वाइट में ज़्यादा होता है। पूरा ही स्टॉक देख लो आप, स्टॉक का भी सेटिंग करने वाला है। मैंने अभी पंजाब की बिस्किट भी इसी वीडियो में आप लोगों को खोल के दिखाऊंगी मैं। ये ब्लैक बार है, इधर भी थाली में भी कुछ ना कुछ रखा ही हुआ है, आप लोग देख लो। मैंने सोचा ये पानी में भिगोना है, तो मैंने सोचा आप लोगों को साथ में एक वीडियो स्टॉक का भी दिखा देती हूँ। इसीलिए शॉर्ट वीडियो में पंजाब की बिस्किट में खोल कर दिखाऊँगी आप लोगों को न्यू स्टॉक का, वो भी देख लेना। साइज़ पे भी जोड़ दूँ मैं। चलो ओके बाय। जिन जिन को चाहिए, बाकी सामान पता ही है आपको यार। ये देखो बिग चंक्स है, हाफ रोस्टेड नाकोमट की, नाकोमट का वीडियो भी आएगा। चलो फिर आप लोग स्टॉक का वीडियो एंजॉय करो। और इधर ट्रायंगल है, ब्लैक और रेड बार है, पूरा स्टॉक है, आप लोग देख सकते हो। जिन्हें जिन्हें चाहिए ऑर्डर कर सकते हो। ब्रोकन का मैंने बोला ही हुआ है आप लोगों को, 500 का 5 kg है ब्रोकन, देख लो। बिग साइज़ भी है, पेंसिल्स भी है, किटकैट का भी है, मिक्स है। जिनको चाहिए ऑर्डर कर सकते हो आप लोग जल्दी जल्दी। बाय।